हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोलर, जो हमारे छत के ऊपर सोलर रखते हैं, सोलर के कनेक्शन कंट्रोलर में कैसे करें। ये हमारा एक कंट्रोलर है, मैं इससे ही आपको बताऊंगा सोलर में कनेक्शन कैसे करें। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 12 वोल्ट का कंट्रोलर है। 12 वोल्ट कंट्रोलर में ये सिंगल बैटरी का है। तो ये दोस्तों देख लो, ये आई है ऊपर से, यानी कि ये है सोलर की वायर हैं। ये सोलर की वायर आने के बाद है ना, तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए आप, पैनल ऊपर लिखा हुआ है, कृपया आप ध्यान से देखिए, अब दिख जाएगा पैनल। पैनल का है ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये पैनल के हैं प्लस और माइनस, हमने इसमें लगा दिए। और ये बैटरी जो हमने बैटरी में लगाने हैं वो यहाँ से उठा लेते हैं हम, ये माइनस और ये प्लस, ये बैटरी के लिए हम उठा लेते हैं। ये ऊपर से आए हैं, ये कंट्रोलर में लग गए, कंट्रोलर से जो जाएंगे प्लस माइनस वो हम नीचे लेके जाएंगे, ये नीचे चले गए। और ये दोस्तों डायरेक्ट प्लस प्लस में और माइनस माइनस में लगा दिया दोस्तों। तो इससे ये सिंगल बैटरी के लिए दोस्तों 12 वोल्ट का पैनल है उसके लिए बता रहा हूँ। अगर 24 वोल्ट का होता उसका भी ऐसा ही है सिस्टम, तो ऐसा ही है कंट्रोलर में ऐसे ही होता है, प्लस माइनस यहाँ आ गए और प्लस माइनस यहाँ से उठ करके बैटरी में चले गए। दोस्तों ये कंट्रोलर आप इसमें चार्जिंग की देख रहे हो, यानी कि ये ग्रीन लाइट आ रही है, तो इसका मतलब है ये चार्जिंग हो रहा है, अपनी सोलर चार्जिंग दे रही है। तो ये है लो बैटरी का, अगर हमारी बैटरी लो हो जाती है तो यहाँ पे ये रेड हो जाएगी। तो ये है ओवरलोड का, ये ओवरलोड है, यानी कि कुछ भी ओवरलोड या हम प्रेस वगैरह इन्वर्टर पे लगा देते हो तो ओवरलोड दिखा देता है, तो ये ओवरलोड का है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।